राजकुमार जी, आपका जो पैतृक स्थान है वो है मेरठ, और मेरठ की क्या चल रही है स्थिति, सपा बसपा और गठबंधन के सारी चीज की एनालिसिस प्लीज हमें बताएं। देखिए, मेरठ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पे आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में लगातार उठापटक होती रहती है। यहाँ पे कभी गठबंधन का या सपा बसपा का जीतता रहा है, कभी कांग्रेस का जीतता रहा है, कभी बीजेपी का रहा है। ये एक स्थायी उस तरीके से किसी का गढ़ नहीं रहा है। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल जी को लड़ाया था और वो अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर जीते थे। लेकिन उससे पहले देखें कि यहाँ पर बसपा से जीत चुके हैं, बसपा से यहाँ पे मेयर भी रह चुके हैं। तो ये, और इस बार फिर इन्होंने बसपा के खाते में सीट गई है, और सपा बसपा रालोद की तरफ से हाजी याकूब कुरैशी, जो कि पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे मेरठ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहाँ से अपना कैंडिडेट इस बार लोकसभा का बनाया। अगर आप मेरठ की, मेरठ में लगभग 19 लाख वोटर्स हैं, इन 19 लाख वोटर्स में अच्छी खासी संख्या दो कम्युनिटी की है, एक मुस्लिम कम्युनिटी जिनके 6 लाख से ऊपर वोट हैं, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट हैं जिनके 2 लाख से ज़्यादा वोट्स हैं। पिछली बार वो कांग्रेस और सपा का यहाँ पे विधानसभा के स्तर पे चुनाव वो था, गठबंधन था, इस वजह से, और बसपा भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, तो ये वोट्स बिखर गए थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम्स और दलित खासतौर पे ये इकट्ठा एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट भी मजबूत उस तरीके से नहीं है, और बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों अपने कैंडिडेट जो हैं वो अग्रवाल समाज से उतारे हैं, वो वैश्य कम्युनिटी से उतारे। हरेंद्र अग्रवाल जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और राजेंद्र अग्रवाल जी जो पिछली बार यहाँ के सांसद रहे हैं, ऑब्वियसली 5 साल सांसद रहे हैं लोगों में वहाँ पे, और जैसा कि जानते हैं कि गुस्सा रहता है, काम नहीं करवा पाते हैं, और लोकल लोगों के अंदर ये असंतोष की भावना बीजेपी की प्रति है, तो बहुत अच्छा। और क्योंकि इस समय पर सपा भी साथ है, राष्ट्रीय लोकदल भी साथ है, और 4.5 लाख के आसपास इस लोकसभा के अंदर OBC कम्युनिटी है, 4.5 लाख, 2 लाख और 6 लाख, ये ही 13 लाख के आसपास कम्युनिटी बन जा रही है, 12.5-13 लाख के आसपास संख्या बन जा रही है, जो बीजेपी के कैंडिडेट जो कि मजबूत कैंडिडेट पिछले बार थे उनको कमज़ोर बना देती है। और जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है गठबंधन के आने के बाद से, जिस तरह की मजबूती है, क्योंकि ये एक तरफ बिजनौर है, एक तरफ सहारनपुर है, एक तरफ बुलंदशहर है, तो ये सारा का सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर BSP बहुत मजबूत है, BSP की अच्छी पकड़ है, और मुस्लिम और दलित का यहाँ पे बहुत अच्छा तालमेल देखने को नज़र आ रहा है। लगता है कि याकूब कुरैशी जो हैं वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं इस लोकसभा के अंदर इस बार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।